ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? बिंदास ना। तो रिसेंटली गाइस, मैंने इस चैनल पे दो एंड्रॉइड वॉचेस का रिव्यू किया था, जिसमें से फर्स्ट वॉच थी हमारी DW88 अल्ट्रा एंड सेकंड वाली वॉच थी हमारी DW89 अल्ट्रा। बट आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि दोनों में से कौन सी वॉच आपको बाय करनी चाहिए। तो टेंशन मत लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दोनों वॉचेस का कंपैरिजन करने वाला हूं एंड आपके लिए बताने वाला हूं कि कौन सी वॉच बेस्ट रहेगी। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेफ्ट वाला बॉक्स आपको DW88 का देखने को मिलता है एंड राइट वाला बॉक्स आपको DW89 का देखने को मिलेगा। तो बात करें DW88 अल्ट्रा वॉच के बॉक्स के बारे में, तो बॉक्स के फ्रंट साइड पे आपको 4G नेटवर्क लिखा हुआ देखने को मिलता है, देन आपको एक वॉच की फोटो देखने को मिलती है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको डाउन साइड पे मेंशन किए गए हैं। बॉक्स ओपन करने पे सबसे पहले आपको एक पोको पिन वाली चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, जिसकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ मेरे को ज्यादा खास नहीं लगी। देन आपको एक ओशन लूप स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी मेरे को काफी अच्छी लगी स्टेप्स की। बाकी लास्ट में आपको एक वॉच देखने को मिलती है। वॉच के फीचर्स की बात की जाए तो वॉच के फ्रंट साइड पे सबसे पहले आपको 2.02 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। और अगर बात करें DW89 अल्ट्रा वॉच के बॉक्स के बारे में, तो बॉक्स के ऊपर वही सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं और लास्ट में आपको एक मॉडल नंबर दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपनी वॉच को आइडेंटिफाई कर पाओ। बाकी बॉक्स ओपन करने पे सबसे पहले आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगी, जो कि हमेशा की तरह आपके किसी भी काम की नहीं है। देन आपको एक वायरलेस चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, जिसकी ओवरऑल लेंथ की बात की जाए तो लेंथ मेरे को ज्यादा खास नहीं लगी इस वायर की भी। नेक्स्टली आपको ग्रीन कलर के ओशन लूप स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं, जिनकी क्वालिटी की बात की जाए तो ओवरऑल क्वालिटी अच्छी लगी मेरे को। बाकी उसके बाद आपको एक और सिलिकॉन स्ट्रैप्स देखने को मिलती है, जिसकी ओवरऑल क्वालिटी की बात की जाए तो एवरेज सी क्वालिटी निकल के आती है। एंड बॉक्स के लास्ट में आपको DW89 अल्ट्रा वॉच देखने को मिलती है। और अगर इस वॉच के फीचर्स की बात की जाए तो इस वॉच में आपको 2.02 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है और इस वॉच के बैक साइड पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों ही वॉचेस के कुछ अंदरूनी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो DW88 अल्ट्रा वॉच के अंदर सबसे पहले आपको 7 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं और एक वॉच फेस को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो। बाकी वॉच के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इस वॉच के अंदर आपको एक कॉलिंग फीचर देखने को मिलता है। और कॉलिंग फीचर से मैं गाइज आपको एक फीचर बताना चाहूंगा कि इस वॉच के अंदर आप इजिली सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्टली गाइज आपको एक सेटिंग फीचर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको एक एंड्रॉइड फोन जैसे सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, ये सभी फीचर्स आपको इस वॉच के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो बाकी अगर इस वॉच के रैम के बारे में बात की जाए, तो इस वॉच के साथ अराउंड आपको 1 GB की रैम देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक बेस वेरिएंट है। प्लस इस वॉच के साथ आपको 16 GB की स्टोरेज भी देखने को मिलेगी। देन आपको एक एल्बम फीचर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपनी फोटोज, वीडियोस देख सकते हो अपनी वॉच के अंदर ही। बाकी उसके बाद आपको एक मैसेजिंग फीचर देखने को मिलता है और इस वॉच के थ्रू डायरेक्टली आप रिप्लाई कर सकते हो अपने मैसेजेस का। और उसके बाद आपको कुछ गेम्स देखने को मिलती है, जिनको मैंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया हुआ है। और अगर आप जानना चाहते हो कि इस वॉच के अंदर गेम किस टाइप की चलती है, तो आपको फुल वीडियो चेकआउट करनी पड़ेगी उसके लिए। तो चलिए गाइस अब टेस्ट कर लेते हैं ये वॉच हमारे वाईफाई की स्पीड कितनी कैप्चर कर पाती है। तो इस वॉच ने हमारे वाईफाई की स्पीड अच्छे से कैप्चर की है, तो कह सकते हैं कि ब्राउजिंग के वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड देन आपको एक प्ले स्टोर फीचर देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी मनपसंद एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड कर पाओगे। तो गाइस ये थे इस वॉच के सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे DW89 अल्ट्रा वॉच के बारे में। तो अगर बात की जाए इस वॉच के नंबर ऑफ वॉच फेसेस के बारे में, तो इस वॉच के साथ भी आपको 7 वॉच फेसेस देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट आपको DW88 अल्ट्रा जैसे ही देखने को मिलेंगे। तो अगर बात करें DW89 अल्ट्रा वॉच के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले आपको इस वॉच में भी एक कॉलिंग फीचर देखने को मिलता है और उसके बाद आपको एक सेटिंग फीचर देखने को मिलता है। और ये वॉच भी एक बेस वेरिएंट है, तो इस वॉच के साथ भी आपको 1 GB की रैम देखने को मिलेगी, प्लस 16 GB की स्टोरेज भी देखने को मिलती है। एंड देन आपको एक मैसेज फीचर देखने को मिलता है और इस वॉच के थ्रू भी आप डायरेक्टली मैसेज का रिप्लाई वगैरह कर सकते हो। बाकी इस वॉच के साथ भी आपको एक प्ले स्टोर फीचर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप अपनी मनपसंद एप्लीकेशन को इजिली डाउनलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको इस वॉच के अंदर कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड देन इस वॉच के साथ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा
कैमरा भी देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप फोटोज वीडियोस बना सकते हो इस वॉच के थ्रू डायरेक्टली। बाकी चलिए जब तक मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल्स दिखा देता हूँ इस वॉच के, बाकी उसके बाद आप इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जैसी एप्लीकेशन इजिली इस वॉच के अंदर चला सकते हो। बट इस वॉच में आपको मैक्सिमम लाइट वर्जन यूज करने पड़ेंगे एप्लीकेशन की, क्योंकि इस वॉच के अंदर कुछ एप्लीकेशन के हैवी वर्जन नहीं चल पाते हैं। एंड चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं इस वॉच के भी इंटरनेट कैप्चर करने की स्पीड, जिसको टेस्ट करने के लिए मैंने ब्राउजर पे सर्च कर लिया इंटरनेट स्पीड टेस्ट। तो गाइज इस वॉच के साथ भी आपको काफी अच्छी स्पीड देखने को मिलती है जिसकी मदद से आप यूट्यूब पे इजीली वीडियोस देख पाओगे। बाकी गाइज ये थे इस वॉच के सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। एंड चलिए गाइज फटाफट से दोनों वॉचेस का साउंड टेस्ट कर लेते हैं। ये था गाइस DW88 अल्ट्रा का वॉच का साउंड। तो गाइज दोनों वॉचेस में से आपको कौन सी वॉच का साउंड ज्यादा लाउड लगा कमेंट में बताओ, लेकिन मेरे को ऑलमोस्ट दोनों ही वॉचेस का साउंड सेम लगा। तो फाइनली गाइज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया एंड आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए दोनों में से कौन सी वॉच बेस्ट रहने वाली है। तो गाइज अगर आप मेरा ओवरव्यू पूछोगे कि दोनों में से आप कौन सी वॉच बाय करते, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बाय करता DW89 अल्ट्रा वॉच, क्योंकि इस वॉच के अंदर आपको एक कैमरा भी देखने को मिलता है वो भी सेम प्राइसिंग के अंदर। और अगर गाइज आप इन दोनों ही वॉचेस को बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।